गुड आफ्टरनून जतिन, मेरी आवाज और वीडियो देखकर बताओ दोनों आ रहे हैं क्या? हाँ महेन, शिवम, कुणाल, अर्जुन, जतिन, बिट्टू, मेघा, आवाज आ रही मेरी सबको? वॉइस क्लियर है? आवाज वीडियो दोनों क्लियर है? चलिए, तो आज हम बात करते हैं, 2 दिन का हमारा गैप हो गया, बहुत कुछ पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने, है ना? बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोगों के दिमाग में होगी और क्लियर भी हो गई होगी। हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक हम लेंगे, लेकिन वो टॉपिक महत्वपूर्ण भी है और पुराने टॉपिक से रिलेटेड भी। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले जो क्लास हुई थी उस क्लास में समांतर प्लेट संधारित्र की कैपेसिटी का फॉर्मूला निकाला था। क्या आप में से कोई मुझे उसका फॉर्मूला बता सकता है कि क्या फॉर्मूला था? जरा स्क्रीन पर फास्ट कोई लिख के बताएं कि क्या उसका फॉर्मूला था, कैपेसिटी का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। जल्दी से फास्ट। ए एप्सिलॉन 0 K/D, केशव कह रहा है ए एप्सिलॉन 0/D। ठीक है, और कोई एक दो लोग बताएं जल्दी से। केशव का भी मैसेज आ गया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जागते रहे आप लोग, है ना? राधे कह रहा है ए एप्सिलॉन 0 K/D। देख के मत लिखिएगा, जो वाकई में आप लोगों को दिमाग में है, याद है, आप उसी पर बात करिएगा।
ठीक है, कैलाश भी लिख रहा है ए एप्सिलॉन जीरो के अपॉन डी, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक छोटा सा प्रश्न मेरा हो रहा है आपसे, फिर हम इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करेंगे। हमने दो प्लेटों के बीच में तीव्रता के सूत्र पहले वाले चैप्टर में पढ़े हैं, तो यदि दो प्लेट हो और उन दोनों प्लेटों के आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है, वो विपरीत हो, विपरीत हो यानी एक पर सिग्मा हो और एक पर माइनस सिग्मा हो, तब ऐसी स्थिति में उसके दोनों प्लेटों के मध्य जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, उसका फॉर्मूला बताएं। दो प्लेटें हैं आपके पास, ऐसी दो प्लेटें हैं। अब ये दो प्लेटें हैं तो इन दो प्लेटों की तीन स्थितियां हैं, एक तो यहां पर है, एक इन दोनों प्लेटों के बीच में है और एक इस प्लेट के इधर है, ठीक है। ये प्लेट और ये प्लेट दोनों का जो पृष्ठ घनत्व है आवेश का, एक इस प्लेट का सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है, या इसका सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में, ये यहां पर जहां मेरा अंगूठा है, यहां पर बीच में तीव्रता का सूत्र क्या होगा, तीव्रता का सूत्र क्या होगा, दो प्लेटों के मध्य तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताएं। आज थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर राउंड अपन ले लें, जिससे ये होगा कि आपको पुरानी क्या चीजें याद है, ठीक है। तो ये अर्जुन बैरागी लिख रहा है C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन जीरो, ये C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन जीरो बेटा क्या था, C तो धारिता है, C और C जीरो भी धारिता है, और K है माध्यम का परावैद्युतांक। तो ये दूसरी चीज है, जो मैं पूछ रहा हूं वो नहीं आ रही, मैं ये कह रहा हूं कि दो प्लेटें हैं आपके पास, इन दोनों प्लेटों के बीच में किसी बिंदु पर तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, उसका सूत्र हमने निकाला था, उसकी बहुत सारी स्थितियां हैं, एक स्थिति पर मैं बात कर रहा हूं कि इस प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इस प्लेट पर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो अब एक तरफ सिग्मा है एक तरफ माइनस सिग्मा है, तो उन दोनों के बीच की तीव्रता का सूत्र क्या होगा। शिवम लिख रहा है सिग्मा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, शिवम कसेरा लिख रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। फिर कैलाश ने भी लिखा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो क्या दो प्लेटों के मध्य तीव्रता का सूत्र है, बिल्कुल सही है क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब यदि इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक के हो, उस वक्त उसका फॉर्मूला क्या होगा, उस वक्त उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये किसी ने लिखा है सिग्मा, ये क्या लिखा आशीष पाटीदार, क्या लिख रहा है मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, मेरा प्रश्न समझ में आ गया। दोनों प्लेटों के बीच आपने तीव्रता का सूत्र लिखा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, अब मैं कह रहा हूं कि यदि दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक के हो, उस वक्त उन दोनों प्लेटों के बीच की तीव्रता कितनी होगी। शिवम कसेरा लिख रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के, शिवम कसेरा लिख रहा है एप्सिलॉन जीरो अपॉन में आया है के आ गया उसके साथ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के, यानी ये फॉर्मूला लिखा जा रहा है, ठीक है। ये E इज इक्वल टू पहले फार्मूला आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, बाद में E इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू के, ये हमारे पास दो फॉर्मूले आ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से ये फॉर्मूले क्लियर दिख रहे हैं बोर्ड पर आपको, जरा देखिए फटाफट फास्ट बताएं फॉर्मूले बोर्ड पर क्लियर दिख रहे हैं, फॉर्मूले बोर्ड पर क्लियर दिख रहे हैं आप लोगों को, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के, ये फॉर्मूला बराबर नजर आ रहा है आप सब लोगों को, जल्दी बताएं भाई, यस और नो, क्लियर दिख रहे हैं। प्रखर कह रहा है यस, केशव कह रहा है यस, आशीष कह रहा है यस, शिवम भी कह रहा है यस, चलिए ओके। तो अब देखिए अब क्या होगा हमारे पास,
अब क्या स्थिति बनेगी, अब ये चीजें हमने पुरानी कहीं से निकाली है, जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी हम उसका काम करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक प्रश्न लेते हैं आज, हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। बहुत बहुत सिंपल आर्टिकल बता रहा हूं, ये प्रश्न जब एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज होकर इसको गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। मैं पूरा प्रयास ये कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, आप इसको गलत करके नहीं आए, इसको लॉजिकल करिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है, तो आप कहोगे कि सर हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तो ऑलरेडी पहले निकाली हुई है, अब आप क्या निकलवा रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है, हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पहले निकाली है, लेकिन अब हम एक विशेष परिस्थिति में इसकी धारिता का सूत्र निकाल रहे हैं, और वो विशेष परिस्थिति हमारी जो ये है कि आंशिक रूप से इसमें परावैद्युत पदार्थ भरा हो। कौन सी है, आंशिक रूप से इसमें परावैद्युतात् पदार्थ भरा हो, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। इसकी कंडीशन समझ लेना कि आखिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है। इस चीज को समझिए, हमने जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला निकाला है तो उसमें क्या था, तो आप कहोगे कि सर उसमें ऐसा था, ये दो प्लेटें थी, ये प्लेट को हमने कोई भी नाम दे दे, मान लो ए दे दिया, इस प्लेट को हमने नाम बी दे दिया, और इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया था, जोड़ा था। अब या तो इसमें वायु या निर्वात होगा, या इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ भरा जाएगा, लेकिन वो परावैद्युत पदार्थ कैसा भरा हुआ था, वो परावैद्युत पदार्थ ऐसा भरा हुआ था, इन दोनों प्लेटों के बीच में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया था, ठीक है। ये कंडीशन के लिए हमने तीव्र कैपेसिटी का फॉर्मूला निकाला, ये ऐसा, इसमें हमने क्या कर दिया, ये के परावैद्युतांक का पदार्थ इसके अंदर भरा हुआ है, हमने इसकी धारिता के लिए फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। दो स्थितियां थी, या तो इसमें वायु या निर्वात हो, पहली स्थिति, और दूसरी स्थिति हमने क्या ली कि इसमें के परावैद्युतांक कोई पदार्थ हो जिसका परावैद्युतांक कितना हो, के हो, लेकिन वो पूरा भरा हो, बिल्कुल फुल ऑफ, कोई स्पेस उसमें खाली नहीं है। लेकिन अब हमने यहां पर कह दिया कि उसमें परावैद्युत पदार्थ तो है, लेकिन वो आंशिक रूप से भरा हुआ है। आंशिक रूप से भरे होने का मतलब क्या हुआ, आंशिक रूप से भरे होने का मतलब क्या हुआ, आंशिक रूप का मतलब हुआ कि दोनों प्लेटें हैं, उन दोनों प्लेटों के बीच में जगह बहुत सारी है, लेकिन थोड़ा सा परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है, बाकी जगह अभी भी खाली है, उसका मतलब हुआ आंशिक रूप से भरा है, पूर्ण रूप से नहीं भरा है। हमने जो पहले आर्टिकल निकाला है उस पहले वाले आर्टिकल में पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा था, लेकिन इसमें आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है। जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है तो अब स्थिति क्या बनी, अब आपकी स्थिति ऐसी बनी, अब आपकी स्थिति कैसी बन गई, ये ऐसी बन गई। मैं इस फिगर को फिर से बना रहा हूं, बड़े ही ध्यान से इसको पढ़िएगा, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये, लेकिन है बड़ा मजेदार। देखिए, दो प्लेटें ले ले हम इसमें एक्स और वाई, और इसमें से इस प्लेट को हमने क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमारे पास है डी, और अब इन दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरना है, लेकिन वो कैसा भरना, आंशिक रूप से भरना है। तो हम ये मानते हैं कि इसमें हमने एक परावैद्युत पदार्थ की इतनी मोटी पट्टी रख दी है,
परावैद्युत पदार्थ की इतनी मोटी पट्टी हमने इसमें रख दी है जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है। और ये पट्टी जब हमने रखी है तो हम यहां पर ये मानेंगे कि इस पट्टी की जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो है टी। मतलब हमने टी मोटाई की पट्टी उन दोनों संधारित्रों की प्लेट, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में रख दी है। ये तो हो गया आपका डी और ये हो गया आपका टी। अब देखो ये जगह अभी खाली है, ये जगह अभी खाली है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, आंशिक रूप से इसमें परावैद्युत पदार्थ भरा गया है। अब इसके लिए हमें तीव्रता का, इसके लिए हमें धारिता का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक, जो चीजें हमने उसमें मानी थी वो की वही चीजें इसमें भी मानने वाले हैं, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें या तो प्योर वायु या निर्वात था या फिर उसमें पूरा का पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा था, लेकिन इसमें क्या है, परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा है, अर्थात दोनों प्लेटों के बीच में अभी भी कहीं पर वायु है और कहीं पर परावैद्युत पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक कितना है, के। क्लियर। अब जब हम इसको आवेशित करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये सब पॉजिटिव हो जाएगा, ये सब पॉजिटिव हो गया, इसकी अंदर वाली सरफेस क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी, इसके इधर सरफेस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, इसके अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, और इसके बाहर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहां चला जाएगा, आपका अर्थ में चला जाएगा। ये पुराना लॉजिक है आपका, उसी लॉजिक के आधार पर ये फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें समांतर प्लेट संधारित्र में जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है तब हमें उसकी क्या चाहिए, धारिता चाहिए। ठीक है, तो धारिता अगर मान लें, इस संधारित्र की धारिता अगर हमारे पास C हो तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले, ये पहले वाले उसमें पढ़ाया था हमने, C इज इक्वल टू Q अपॉन V पढ़ा था। ये V क्या है, V है दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। पहले भी हमने V को दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर को निकाला था, अब फिर हम दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर को निकाल लेंगे। यहां जो दोनों प्लेटें हैं इनके चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है, सिग्मा है, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस सिग्मा है, क्योंकि यहां पर आवेश क्या है, माइनस है। आवेश कितना दिया हमने प्लेट को, हमने क्यू आवेश से इस प्लेट को आवेशित किया है। ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब इस डायग्राम के आधार पर हमको कैपेसिटी यानी कि धारिता को निकालना है, धारिता को हम ज्ञात करेंगे। कोई कंफ्यूजन है इसमें, जल्दी बोलिए, एनी डाउट, सारी चीजें स्पष्ट है, पहले वाली स्थिति में और इस स्थिति को आपने कंपेयर कर लिया कि उसमें क्या था और इसमें क्या था। अब क्या करेंगे हम, अब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा, हमें कुल मिलाकर निकालना है क्या, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना है। ठीक है, अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, अब जब दोनों प्लेटों के बीच आपको विभवांतर निकालना है तो विभवांतर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था आपका, ये भी फॉर्मूला मैंने कल पिछली क्लास में बताया था, V इज इक्वल टू क्या था, E इंटू डी। विभव निकालने का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू E इंटू डी। V तो विभव हो गया, E तीव्रता हो गई, और D क्या हो गई, आपके पास दूरी हो गई। ठीक है, तो जब टोटल विभवांतर की हम बात करेंगे तो इसमें टोटल विभवांतर दो प्रकार से निकाला जाएगा। एक तो विभवांतर कहां निकाला जा रहा है, प्लेट के कारण, और एक विभवांतर कहां निकाला जाएगा, वायु या निर्वात के कारण। ठीक है, दो प्रकार से इसके विभवांतर को हम कैलकुलेट करेंगे। कितने प्रकार से करने वाले हैं हम, दो प्रकार से इसके विभवांतर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब विभवांतर क्या हो गया, V इज इक्वल टू E इंटू डी, तो ये विभवांतर V इज इक्वल टू E इंटू डी हो गया, तो ये तो हो गया V, ये विभवांतर। अब ये विभवांतर कितने प्रकार से आएगा, इसमें दो प्रकार से आएगा, एक तो कब जब हवा या निर्वात है, और एक कब जब माध्यम है।
तो हवा या निर्वात वाले के लिए तो हम लिखते हैं ई जीरो इंटू डी माइनस टी, और प्लस इसके लिए हम लिखते हैं ई इंटू टी। अब ये आप समझ लीजिए क्या चीज है। ये विभवांतर v इज इक्वल टू ई जीरो इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी, क्योंकि विभवांतर का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू ई इंटू डी। तो एक विभवांतर तो अपनों निकाला वायु या निर्वात के लिए, तो हो गया आपका तीव्रता कितनी, ई जीरो। वायु या निर्वात के लिए तीव्रता हो गई ई जीरो, और दूरी कितनी है वायु या निर्वात की, तो वायु या निर्वात की दूरी देखो, ये टोटल दूरी आपकी डी थी जिसमें हवा या निर्वात था, और हमने इसमें टी मोटाई की प्लेट रख दी। जब टी मोटाई की प्लेट रख दी तो अब वो डी में से टी वाला पोर्शन आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो वायु की मोटाई है वो कितनी आ गई, डी माइनस टी आ गई। भाई देखो, जब पहले ये प्लेट नहीं थी तो वायु की मोटाई कितनी थी, डी थी, लेकिन हमने उसमें एक प्लेट रख दी तो अब वायु की मोटाई कम हो गई। कितनी कम हुई, जितनी प्लेट की मोटाई। तो वायु की मोटाई पहले डी थी, फिर हमने टी प्लेट रख दी तो वायु की मोटाई कितनी हो गई, E0 इंटू डी माइनस टी। E क्या है, तीव्रता, कब, जब माध्यम में परावैद्युतांक है, और T क्या है, उस परावैद्युत माध्यम की मोटाई है, दूरी है, कितनी है दूरी, वो T है। ये सारी चीजें हमने रख दी। अब यहां अभी अभी आपने मुझे लिखकर बताया था कि E0 कितना था आपका, E0 मतलब दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता, कब, दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता कब, जब दोनों प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात हो। जब वायु या निर्वात हो तो आपने मुझे लिखकर बताया था कि ये होता है सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ई जीरो की वैल्यू क्या हो गई आपकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ई क्या है, ई भी तीव्रता है, लेकिन कब है ये तीव्रता, ई तीव्रता कब है, तो ई तीव्रता कब हो गई, जब दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, परावैद्युत माध्यम हो। जब परावैद्युत माध्यम हो अंदर, तो अब उसके क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा सिग्मा जीरो के साथ कौन आ गया, एप्सिलॉन जीरो के साथ कौन आ गया, के आ गया। ये दोनों मान आपको पूर्व से पता है, बोलिए पता है कि नहीं है, फास्ट जल्दी बताइए मुझे, यस और नो, पता है आपको, ये दोनों वैल्यू आपको पता है, E0 is equal to sigma upon epsilon 0, E is equal to sigma upon epsilon 0 K. E0 क्या है, E0 तीव्रता कब है, जब माध्यम में क्या है, वायु या निर्वात। E कब है तीव्रता, जब माध्यम में परावैद्युतांक है, परावैद्युत पदार्थ है। जब माध्यम में परावैद्युत पदार्थ है तो हम परावैद्युतांक K लिखते हैं। तो ये हो गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के, और ये हो गया E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसमें कोई कंफ्यूजन है भाई, किसी को जल्दी बताएं फटाफट। एनी कंफ्यूजन, यहां तक कोई गलती है क्या, आपको डाउट हो रहा है क्या, अगर कोई डाउट नहीं हो रहा है तो बिल्कुल अब आसान काम है आपका। चलिए, कुणाल कह रहा है, कपिल कह रहा है, श्याम दयाल कह रहा है ना, चलिए ओके, बहुत अच्छी बात है, कंफ्यूजन नहीं है, ये चीज आ गई समझ में। अब कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों मानों को आपको यहां रखना है। जब ये दोनों मान आपके यहां आ जाएंगे तो V निकल आएगा, और उस V का मान जब हम यहां रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कैपेसिटी, यानी कि उसकी धारिता। तो देखिए, अब हम यहां इस मान को रख रहे हैं, है ना, जब मैं इस मान को यहां रखूंगा तो V इज इक्वल टू कितना हो गया, E जीरो का मान कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू डी माइनस टी, प्लस ये कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के इंटू टी हो गया। दोनों वैल्यू मैंने यहां पर रख दी। अब दोनों रख दी तो इसमें देखो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो दोनों में कॉमन है, मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो दोनों में कॉमन ले लिया मैंने, तब मेरा यहां पर क्या बचा, डी बचा, माइनस में टी बचा, और प्लस में यहां कितना बचा, टी अपॉन के बचा। ये सारी चीजें मैंने यहां से कॉमन ले ली। ये स्टेप समझ में आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो
और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के साथ क्या आ रहा है आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के साथ क्या आ रहा है, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, ये यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को, कोई कंफ्यूजन नहीं? हम इसमें एक काम और करेंगे, भी हाथों हाथ ही कर देते हैं, इसमें से टी दोनों में है देखिए, तो मैं यहां से टी को क्या कर रहा हूं, कॉमन निकाल रहा हूं, मैं यहां से टी को कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहां से टी को कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, देखिए ये आया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू डी माइनस टी और यहां ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास वन माइनस वन अपॉन के, कितना आ रहा है ये वन माइनस वन अपॉन के। ये हमारे पास दोनों प्लेटों के बीच क्या आ गया, विभवांतर आ गया वी, वहां भी हमने वही निकाला था है ना, यहां भी यही निकाला है, केवल अंतर है कि यहां दो टुकड़े हो गए क्योंकि दो जगह है और वहां दूसरी जगह थी नहीं, तो हमने सीधा फॉर्मूला रखा था वहां पर ईटी वाला, ये वाला है ना, इस फॉर्मूले से निकाल दिया था, जब ये चीज हट गई थी तो ये इतना बड़ा हमारे पास फॉर्मूला नहीं आया था। अब क्या हुआ, ये आपका क्या आ गया वी। अब इसमें देखो सिग्मा की वैल्यू को भी आप जानते हो, इस सिग्मा की वैल्यू को आप जानते हो, सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन ए होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो हम यहां क्या करेंगे, इस सिग्मा की वैल्यू भी रखेंगे, जब इस सिग्मा की वैल्यू यहां रखी जाएगी तब ये क्या होगा, वी इज इक्वल टू ये बनेगा अब आपका क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो इंटू डी माइनस टी और वन माइनस वन अपॉन के और ये ब्रैकेट बंद हो गया। ये आपके पास आ गया फाइनल वी, जिसमें आपको जो भी वैल्यू रखनी थी वो सब आपने रख दी, इट इज योर फाइनल वी। अब देख लीजिए इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो हम इस पर बात कर ले, नहीं तो फिर आगे बढ़े, अब हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? नो no. अब क्या करेंगे, इस v की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे, तो इक्वेशन नंबर में या v की जगह इसको रख देंगे। ठीक है, मेरे पास बोर्ड में स्पेस नहीं है, मैं इस v को यहां से रिप्लेस करके इस v की वैल्यू को यहां रख रहा हूं। ठीक है, रिप्लेस करके इस v की वैल्यू को मैं यहां पर रख रहा हूं, तो ये v मैंने यहां से हटाया और अब इसकी जगह मैं इस v की वैल्यू को रख दूंगा, तो ये आ जाएगा आपके पास q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन जीरो और ये बना आपका डी माइनस टी स्मॉल ब्रैकेट वन माइनस वन अपॉन के, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये थोड़ा सा डिवाइड करके ध्यान रखिएगा, ये आ गया आपके पास क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन अपॉन के। अब यहां क्या हो रहा है, यहां पर ये q से ये q कैंसिल हो जाएगा, जब ये q से q कैंसिल हो गया और ये a एप्सिलॉन जीरो नीचे है तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली जो आपके पास c इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, a एप्सिलॉन जीरो अपॉन d माइनस टी इंटू वन माइनस वन अपॉन के। इट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी जब पार्शियली फील्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसके अंदर हो, है ना, क्या हो उसके अंदर, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ जब भरा हो, ऐसी स्थिति में जो संधारित्र की धारिता आएगी वो कितनी आ जाएगी, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन अपॉन के। ये आपका फाइनल फिगर है फेराड, ये इसका यूनिट है। इस तरह से हम एक संधारित्र की कैपेसिटी को निकालेंगे,
जब संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहां पर टैली करता हूं। कैसे टैली करता हूं कि भाई किसी ने कहा कि ये फॉर्मूला सही है तो इससे पुराने वाले का फॉर्मूला आना चाहिए। जो अभी मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई संधारित्र की धारिता हमने निकाली है पहले, जिसमें परावैद्युतांक पदार्थ जो था, परावैद्युत पदार्थ जो था उसमें पूरा भरा था, अब इसमें आंशिक रूप से भरा है। ठीक है, या वायु या निर्वात की हम बात कर लें, तो वायु या निर्वात की हम बात करें तो इससे हम वायु या निर्वात वाला फॉर्मूला अगर निकाल के दे दें तो ये हमारा फॉर्मूला सही हो जाएगा। तो वायु या निर्वात के लिए हम चलें, तो वायु या निर्वात के लिए देखिए इसमें क्या होगा। जब इसके बीच में कोई कहता है कि वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात है मतलब इस के का मान कितना हो गया, पता है आपको वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है? ए, पता सबको वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, जरा स्क्रीन पर लिखकर बताएं। वायु या निर्वात के लिए के का वैल्यू कितना होता है? मेघा, शिवम, सुफियान, आशीष, महेंद्र, मधु, जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, बहुत बढ़िया, सबने कितना लिखा? वन। अब k इज इक्वल टू अगर आपका वन हो जाएगा, मतलब यहां हम k की जगह कितना रखेंगे, वन रखेंगे। अब देखिए आप यहां पर ये k की जगह आपने अगर वन रखा तो ये बना वन अपॉन वन, वन अपॉन वन बना, मतलब वन हो गया। अब ये वन में से वन माइनस हुआ तो ये आ गया जीरो। अब इस जीरो का मल्टीप्लीकेशन किस में हुआ, t में। जब जीरो का मल्टीप्लीकेशन t में हुआ तो ये भी जीरो आ गया, मतलब ये माइनस वाला पद पूरा जीरो हो गया। तो अब c इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, a एप्सिलॉन जीरो अपॉन d। क्या आपने यही फॉर्मूला निकाला था? आप अपनी पुराने उस चैप्टर के अंदर जाकर देखें कि क्या आपने कैपेसिटी का जो फॉर्मूला निकाला था वो यही फॉर्मूला आया था, a एप्सिलॉन जीरो अपॉन d या एप्सिलॉन जीरो a अपॉन d, जो भी आपने लिखा हो। अगर ये वही फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, करेक्ट है, सही है। जब दो प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक माध्यम पार्शियली फिल्ड हो, आंशिक रूप से भरा हो, ऐसी स्थिति में जो धारिता का फॉर्मूला है वो क्या हो गया आपका, ए एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन अपॉन के हो गया। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए जैसे ये क्लियर हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे अपन पुराना फॉर्मूला भी ला सकते हैं, तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब अगर कोई कहता है कि नहीं इससे वो फॉर्मूला भी निकाल के दो जिसमें के आता था, ठीक है के वाला भी निकाल दे, अपने क्या दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इस टी मोटाई की जगह कितनी मोटाई का परावैद्युतांक ले लेंगे, डी मोटाई का ले लेंगे। तो टी की जगह क्या लिखना आपको, वो ले लेंगे। जब कंप्लीटली ये आ जाएगा तो आप केवल कौन सी वैल्यू आएगी आपकी, के आ जाएगी। ये यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे हम, जब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये के बचेगा, ये के जब ऊपर रिवर्स होके जाएगा तो ये बनेगा ए एप्सिलॉन जीरो के अपॉन डी। तो ए एप्सिलॉन जीरो के अपॉन डी बन गया, मतलब क्या हो गया, अब माध्यम में परावैद्युतांक पूर्ण रूप से भरा है। इस वक्त क्या भरा है, पार्शियली भरा है, जब नहीं होता है तो के हट जाता है। ये सारे के सारे फॉर्मूले सब आपके एक साथ हो गए। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप एक फाइनल रिजल्ट कि यदि हम किसी संधारित्र में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो धारिता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उसकी धारिता बढ़ेगी या उसकी धारिता कम होगी। जरा इसके रिजल्ट को देखकर आप मुझे बताएं कि इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बढ़ेगी या कम होगी, धारिता बढ़ेगी या कम होगी, जब आंशिक रूप से पार्शियली अगर वो भर दिया जाए तो धारिता बढ़ेगी कि कम होगी। बढ़ेगी तो यस लिख दीजिए, नहीं बढ़ेगी तो नो लिख दीजिए। इतना टाइम क्यों लग रहा भाई,
बढ़ेगी तो यस और घटेगी तो नो। कुणाल पालीवाल कह रहा है नहीं बढ़ेगी, केशव कह रहा है नहीं बढ़ेगी, आशीष यश दोनों ने लिखा है बढ़ेगी, मेघा गहलोत कह रही है एरिया के कारण बढ़ेगी। एरिया वाली तो कहीं बात ही नहीं हो रही बेटा इसमें। महेंद्र रावत कह रहा है यस बढ़ेगी, अर्जुन बैरागी कह रहा है नहीं बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, करण काना कह रहा है बढ़ेगी, मनोहर लाल कह रहा है यस बढ़ेगी। देखिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, इसमें 100% धारिता जो है बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी वो समझ लीजिए। हमने कहा धारिता कब बढ़ेगी, जब ये चीज कम होगी। पढ़ा था ना हमने यहां पर कि दूरी कम कर दें, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दें तो धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही दोनों प्लेटों के बीच में के रखा आपने, ये के का मान आया, जैसे ही के का मान आया तो इस के का मान तो एक से ज्यादा ही होगा। जब इस के का मान एक से ज्यादा होगा तो ये फैक्टर आपका बड़ा हो गया। बड़ा हो गया मतलब डी में से बड़ी संख्या माइनस हो गई, और डी में से बड़ी संख्या माइनस होने का मतलब क्या हो गया कि डी आपका क्या हो गया, छोटा हो गया। और यदि डी छोटा हो गया तो इस सूत्र में अगर डी छोटा होगा तो सी अपने आप क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए इस प्रकार की स्थिति में जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ दोनों प्लेटों के बीच में हो तब उस संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। अब कोई पूछता है कि क्यों बढ़ेगी, तो इसलिए बढ़ेगी कि दोनों प्लेटों के बीच में दूरी क्या हो गई, डी से कम हो गई। डी से कम तो डी तो थी, अब डी से कम हो गई मतलब ये फैक्टर उसमें से माइनस हो गया। तो जब ये घटने वाला फैक्टर जब जब जितना बड़ा होता जाएगा ये संख्या उतनी छोटी होती जाएगी। तो डी का मान जितना छोटा हो जाएगा इसकी धारिता उतनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का दूसरा प्रश्न, जिसमें परावैद्युत माध्यम या पदार्थ कैसे भरा हो, आंशिक रूप से भरा हुआ हो। ठीक है, चलिए गुड, बहुत बढ़िया। आज हम इस लेक्चर को यहीं एंड करेंगे, कल हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। यही हमारा रेगुलर वाला टाइम, इसी टाइम पर हम फिर बात करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा एक टेक्निकल इश्यू चल रहा था उसके कारण क्लास आज भी लेट हम शुरू कर पाए। कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़िए, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो उसको मुझसे पूछिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कल, नेक्स्ट उस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे। ठीक है, ओके।